हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3। आपको पता ही है 8.1 और 8.2 मैं करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो ये चैप्टर शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं उससे। पहले हम ये जानेंगे, ये हमें पता है ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इनके बीच में 90 डिग्री होता है। तो ज़ीरो में 90 प्लस करेंगे तो 90, यहाँ पे भी 90 का होगा तो 90 प्लस 90 180, यहाँ पे भी 90 है तो 180 प्लस 90 270, 270 में प्लस करेंगे 90 तो आएगा 360। अब हम ये जानेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस वाले लिखे हैं। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा ये प्लस होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो नेक्स्ट स्टेप में हेल्पफुल होगी। तो ये याद रखना कि जो कॉस है वो चेंज होगा साइन में। अब ये ध्यान रखना, कॉस चेंज होगा साइन में और साइन चेंज होगा कॉस में। मैं यहाँ पे थीटा नहीं लिख रही हूँ। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में और यहाँ पे भी ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये जान लिया, ये जान लिया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ साइन 90 प्लस थीटा। ये साइन 90 प्लस थीटा, मुझे इसको एक नंबर बनाना है, देन मैं टेबल से आंसर देख सकती हूँ। तो ये कैसे करेंगे? 90 है, जब भी 90 होगा तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होता है कॉस में, तो मैंने कॉस लिख दिया, चेंज हो गया। जो ये थीटा होगा अब ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अभी भी एक स्टेप और बचा हुआ है। अब हम देखेंगे ये क्या है, 90 प्लस थीटा। ये रहा 90, मतलब ये वाली लाइन प्लस है, तो इट मींस इस क्वाड्रेंट में है हम, सेकंड वाले में। अब हम ये देखेंगे क्या साइन जो है वो प्लस होता है इस क्वाड्रेंट में कि नहीं होता है। तो 90 प्लस थीटा, तो इसमें आ रहे हैं 90 प्लस, प्लस आ गया तो हम नेक्स्ट वाले में पहुंच गए। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव है, तो इस कॉस थीटा का जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको ये चेक करना है, अगर 90 है तो चेंज होगा, आप इसे चेंज कर दोगे, फिर जो ये थीटा है वो इधर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में ये चीज़ प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस होगी तो इसके आगे साइन आएगा प्लस का, और अगर माइनस होगी तो इसी के आगे आएगा साइन माइनस का। आप इसको मत चेक करने लग जाना कि कॉस पॉजिटिव है कि नहीं, नो, साइन पॉजिटिव है कि नहीं। मैं आपको एक नेगेटिव वाला भी करके बता देती हूँ। अगर मैंने ले लिया 10 90 प्लस थीटा, तो 90 देखते ही 10 चेंज हो जाएगा किस में? कॉट में। ये थीटा आ जाएगा यहाँ। अब बारी रही साइन की, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 90 प्लस तो इस साइड सेकंड में आएगा। सेकंड में क्या 10 कॉट नहीं, 10 पॉजिटिव है कि नहीं? तो सेकंड में क्या है, 10 पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 90 ही हो, यहाँ पे 90 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो 90 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 90 होगा, 180 होगा, 270 होगा और
360 होगा, लेकिन सब में चेंज नहीं होगा, सिर्फ 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में नहीं होगा उसमें, बल्कि आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, आपका साइन का साइन ही रहेगा। मैं आपको एक और वो करके भी दिखा देती हूँ। मान लो यहाँ पे होता साइन 180 प्लस थीटा, 180 है ना, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा का थीटा। अब हम देखेंगे साइन का, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो जो साइन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट, सॉल्व करना है हमें किसको, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 और कॉस 72। अब आप देख रहे होंगे 18 और 72, अगर मैं 90 में से 18 माइनस कर दूं तो 72 आएगा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो हमारा जो थीटा बनेगा न्यू वो 72 बनेगा, तो उसको हमें सॉल्व करने में आसानी होगा क्योंकि कॉस 72 है। तो अब हम वही करेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आया मैं क्या कह रही हूँ तो अब आपको समझ आ जाएगा। मैं 18 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 72, माइनस करने पे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, नीचे क्या है कॉस 72। अभी मैंने आपको पीछे क्या सिखाया, 90 है चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, 72 का 72। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस मतलब फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस ही आएगा, ये सॉल्व हो गया, नीचे कॉस 72, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ताकि आपको अब समझने में आसानी होगी। आपको यहाँ पे बस ये पहचानना है मैं किस में चेंज करूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आपको टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आने लग जाएगा। तो सेकेंड पार्ट है 10:26 cot 64। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 90 माइनस 64 क्या होता है, 26 ही होता है, या फिर 90 माइनस 26 क्या होगा, 64। यहाँ मैंने आपको ऊपर चेंज करवाया, आप नीचे भी कर सकते हो चेंज, आप इसको चेंज कर लो 18 में, आप इसको कर लो cos 90 माइनस 18। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाला सॉल्व करो या नीचे वाला सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर सॉल्व किया है, मैं डिनोमिनेटर कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऊपर वाले को सेम रखा, अब नीचे वाले को क्या लिख सकती हूँ, 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 26, 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 ही आएगा, तो ऊपर को हम छेड़ेंगे नहीं। अब 90 है तो चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, 10 में। अब 26 का 26, अब देखेंगे साइन, तो 90 माइनस 26 या 90 में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस ही आएगा, दोनों सेम हो गए, कट गया और 1 आ गया। ये हमारे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कॉस 48 माइनस साइन 42। अब 90 में से 48 घटाओ तो क्या आएगा, 90 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो क्या आएगा, 42। और अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा, 48।
आप इसे चेंज करो, इससे चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों को हमें सेम करना है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं पहले वाला चेंज कर रही हूँ, तो cos 48 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 42। 90 है, चेंज होगा cos का साइन, ये 42 का 42। अब देखेंगे साइन 90 माइनस है तो वही फर्स्ट वाले में आ जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये हो गया। अब माइनस का माइनस यहाँ आ गया, साइन 42 साइन 42, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 0। किसी को कैंसिल आउट समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0। अब हम क्या करेंगे, अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसेक 31 माइनस सेक 59। यहाँ पे भी आप देखोगे 90 माइनस 59 क्या होगा, 31। यहाँ पे भी आप देखोगे 90 माइनस 31 क्या होगा, 59। तो आप किसी को भी चेंज कर लो, तो मैं फर्स्ट वाले से ही चेंज कर रही हूँ। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं, तो कोसेक को कोसेक लिख दिया, 31 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 59। ये सेम माइनस का माइनस सेक 59, यहाँ 90 है तो चेंज होगा कोसेक, किस में चेंज होगा, सेक में, यहाँ लिख दिया सेक 59 का 59। यहाँ पे भी 90 माइनस 59 तो ये भी फर्स्ट में जा रहा है तो ये भी प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस सेक 59। तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट, आ गया 0 आंसर। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है पूरा। तो मैंने इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स बताए। अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पर्टिकुलर थीटा पे वैल्यू नहीं पता तो हम उसे कैसे निकालते हैं, और उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये था एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट को कवर किया। और इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए हमें कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है हमने वो भी पढ़ा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।